शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, सुबह के मुकाबले किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बन चुकी है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय रहेगी, हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी कि आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बिनौला खल से, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का मार्च वायदा 3184 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3190 का हाई भी लगा चुका है और इस समय मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है, ज्यादा कोई खास तेजी बंदी बनती नजर नहीं आ रही, एक रेंज देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिनौला खल में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी। अनुज जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि रेंज देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है 3400 के ऊपर तक के टारगेट्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? अखिलेश जी, बिनौला खल में एक हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है बिनौला खल में वो थोड़ा सा रेंज बाउंड का है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइयर लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी जो खल है वो थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करेगा, थोड़ा रुकेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि हरे चारे की जो अराइवल है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं जो खल के ऊंचे भाव होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे डिमांड हमने कम आते हुए देखी और डिमांड का असर भी रहा है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो डिमांड साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है और उसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि भावों में भी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर आप कॉटन के अंदर भी देखें तो वैश्विक लेवल पर कॉटन के भावों में भी नरमी आई है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में इशू चल रहा है उससे हमने कॉटन के भावों में गिरावट देखी है। हमें लगता है कि भाव अभी और कुछ नरम रहेंगे और एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 3000 तक के लेवल खल में देखने को मिल सकते हैं। जी अनु जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हमने काफी शानदार कीमतें आते हुए देखी हैं, चाहे धनिया हो, जीरा हो, चाहे हल्दी हो, तीनों में ही शानदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब देख रहे हैं कुछ करेक्शन भी बन रही है, आपको क्या लगता है क्या एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑलमोस्ट जीरा के भाव 22,300-22,400 के आसपास चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती है क्योंकि भाव काफी बढ़ चुके हैं। और हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, मंदी तो यहाँ पे हमें नहीं लगती है, मगर हायर लेवल होने की वजह से जिन्होंने हमारी सलाह पर लोअर लेवल पर खरीदारी करी है उनके लिए सलाह है कि वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि उनको नीचे डिप का मौका जरूर मिलेगा। तो नीचे अगर भाव अगेन 21,500 या 21,000 के आसपास आए तो खरीदारी फ्रेश कर सकते हैं। करंट रेट पर खरीदारी हमें लगता है कि अभी रुकना चाहिए, भाव अभी और यहाँ से नरम हो सकते हैं। अनु जी, हल्दी में आपको क्या लगता है, क्योंकि हल्दी में भी हमने हाल ही में कीमतें 10,000 के ऊपर जाते हुए देखी थी, फिर 9,900 पर बाजार आ गया है, आपको क्या लग रहा है क्या हल्दी में थोड़ी पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है आगे जाके? देखिए, हल्दी में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, वहां पर भी हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर भाव रुकेंगे, खरीदारी थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, खरीदारी करने के जो स्तर है नीचे करीबन 9,500 के आसपास भाव मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें करीबन 11,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि में भाव एक स्टेबल हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है तो लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी अनु जी, जैसे अब आगे रमजान का महीना है और अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं और हमने धनिये में देखा था कि जो विदेशों का जो माल है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि पूरी जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, उसको पूरा कर पाए, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या आगे एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिलेगी और एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? एक्सपोर्ट डिमांड तो सालों में हम देख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमने देखा है कि सभी मसालों में अच्छी खासी रिकवरी रही है। तो एक्सपोर्ट डिमांड जनरली हम देखते हैं हायर लेवल आने की वजह से थोड़ी सी कम हम यहाँ देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत नरमी जो है वो हो सकती है या स्टेबल माहौल हो सकता है, तो थोड़ा रुकना चाहिए, भाव नीचे आए तो खरीदारी करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि भारत के अंदर
जो इस बार एकरेज है या फिर जो क्रॉप साइज है वो पिछले साल से काफी कम है, जिससे भावों को सपोर्ट रहेगा। जी, इसी के साथ अनुज जी बात करें यहाँ से अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में हमने कीमतों को 7,000 के पार जाते हुए देखा था, शानदार रिटर्न दिया है कैसे ने भी। अब देख रहे हैं 6,900 के ऊपर है, लेकिन 7,000 का हाई आज भी लगाया है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, कीमतें तो यहाँ पे सस्टेन होते हुए देख लिए हैं, तो क्या कैसे यहाँ से अब 7,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है या उससे भी ज्यादा के? देखिए, जैसे कि हमने आपके पहले चर्चा में भी कहा था कि कैस्ट्रॉल अब एक टॉप आउट हो चुका है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि तो काफी भाव बढ़ चुके हैं। तो हायर लेवल पे जनरली हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि ठीक नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि और हायर लेवल हम देखेंगे कि जब भी हायर लेवल आते हैं तो फिजिकल के अंदर अराइवल आनी स्टार्ट हो जाती है, और अब कैस्ट्रॉल के आने वाले समय में अराइवल आने भी वाली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नरमी का माहौल यहाँ पर आ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि नीचे 6,500-6,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी अभी थोड़ा रुकना चाहिए, भाव 6,500 के आसपास मिले के आसपास आए तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। नो डाउट कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, मगर भाव अभी ओवरबॉट जोन में है तो एक करेक्शन यहाँ पर बनता है जो कि करीबन 200-300 रुपए भाव नीचे आ सकते हैं तो ही खरीदारी का ट्रेड ले। जी अनुज, बात करें अगर ग्वार गम ग्वा सीड की, तो आपको क्या लगता है क्या ग्वार गम और ग्वा सीड की कीमतों को इन फ्यूचर क्रूड का जो सपोर्ट है वो मिलता नजर आ सकता है, और क्या कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा सकती हैं? देखिए, ग्वार गम ग्वार सीड में हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से मार्केट एक स्टेबल मोड में है और यहाँ पर हम एक नरमी का ट्रेंड आते हुए थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। हमें लगता है कि भाव अभी थोड़े से यहाँ पर स्टेबल रहेंगे, हालांकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, मगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा रुकना चाहिए। भाव नीचे एक्सपेक्टेड है, 5,800 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक आए तो ही खरीदारी करें, या फिर ऊपर में भाव 6,500 को ब्रेक करे तो खरीदारी करें। फिलहाल हमें लगता है कि भाव नीचे 6,000 से लेकर 6,500 के बीच मूव करते हुए नजर आएंगे। जी अनुज जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो देख रहे हैं मार्च में 7,200 का लेवल दिखा चुका है, 7,100 के बाद अब देख रहे हैं 2.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी $1,630 के ऊपर निकल चुका है, लगातार देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन अब यहाँ से 7,500 के भी पार जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई है उससे हमने एडिबल ऑयल्स में तेजी आते हुए देखी है, क्योंकि यूक्रेन काफी बड़ा उत्पादक है सूरजमुखी और एडिबल ऑयल्स में, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि सोयाबीन के भाव 7,500 तक जा सकते हैं, तो उसी में ही हमें लगता है कि भावों में तेजी कंटिन्यूस रहेगी और एक्सपेक्टेड है भाव ऊपर 7,500 तक के लेवल दिखा सकता है। अनुजी जी के साथ बात करें अगर मैंथा ऑयल की, तो मैंथा ऑयल में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं पहले से थोड़ी सुस्त हुई है, तो क्या ये खरीदारी के अच्छे लेवल्स हैं? देखिए, बिल्कुल, मुझे लगता है कि 950 के आसपास के स्तर जो हैं वो अच्छे सपोर्ट के आसपास हैं, यहाँ पर हमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आई है, एक बाउंस बैक ऊपर में 980-990 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो इस सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जी अनुजी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेड लेना है तो खल के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक में वाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 3,050 तक के स्तर कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 6,100 के आसपास में, ऊपर में 6,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी कि आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCV पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।